गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका भी इनके ब्लॉग्स पे। तो सुबह हो गया है और चाय मैंने रख दिया बनाने के लिए। ये देखो चाय मैंने रख दिया, ये भी आ गया। ये गुड मॉर्निंग गाइस, ये क्यों ले क्या नमकीन था? ये अपने लिए लाए यार। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो पालक सेव खाते हैं, तो पालक सेव लेके आए हैं। मैं इनके लिए लेके आया हूँ पालक रस। तो पहले हम लोग फैन खाते थे, तो मैं देख रहा था अच्छा नहीं होता, हैवी होता है इसलिए नहीं खाते हैं। अब रोज से एक नहीं चार पांच दबा जाओ पता ही नहीं चलता। चलो चाय लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में किसी ने बोला कि दाल का दुल्हा, दाल का दुल्हन, एंड किसी ने बोला कि दाल टिक्की, किसी ने टिकरी, किसी ने दलफरा, सब बोलते हैं। सबकी सब अलग अलग जगह से, जो जहाँ से बिलोंग करता है वो वहाँ वहाँ का बोलता है। मेरा चाय बहने वाला है, तो ऐसे ही है हम। और पता है मेरे यहाँ भी दलफरा और दाल टिक्की ये दोनों बोलते हैं। आप लोग के आप लोग बता रहे थे कि मेरे यहाँ दाल पिट्ठी भी बोलते हैं ना शायद। तो सब अलग अलग, जहाँ के लोग जैसा देश वैसा भेस। तो हम जा रहे हैं चाय छानने। चाय देखो इनको हम नहीं देते थे, लेकिन ये आज ये चाय मांग के पी रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो दोस्तों, इधर बीच हमारे मूड बन गया कि चलते हैं हम, थोड़ा रिसेप के लिए कपड़ा ले लेते हैं मार्केट में। तो एक बैग मूड बन गया, प्लान बन गया, तो हम लोग घर से निकल गए हैं शॉपिंग के लिए। सबसे सीधा मार्केट में मिलते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग मार्केट में आ चुके हैं और हम लोग आए हैं मार्केट में। कहाँ आए हैं मार्केट, कौन सा मार्केट है? मदनगिरी मार्केट में आए हैं। और हम आपको बता देते हैं क्यों मार्केट आए हैं। आप सबको पता है कि ऋषभ का बर्थडे आने वाला है, और भाई गिफ्ट सीट तो होता ही है ना देना। और हमने नया घर भी ले लिया है, नया घर ले लिया है। जिन्होंने नहीं देखा इनके चैनल पे जाके वो देख ले। और देखते हैं ऋषभ के लिए बच्चा है क्या लेते हैं, और एक दो कपड़े इनके लिए भी लेंगे। आप लोग कमेंट करते ना इनके पास कपड़े नहीं है, आज हम इनके लिए कपड़े लेंगे और दिखाएंगे क्या लेंगे। और कपड़े हैं मेरे पास। तो दोस्तों बताइएगा कि हम ऋषभ के लिए क्या ले। वैसे तो देख रहे पसंद आ जाएगा ले लेंगे, नहीं तो फिर दूसरे मार्केट में देखेंगे। बने रहिए आप। तो देख सकते हैं मार्केट में कितना भीड़ है। गाइस, हम बताना भूल गए कि हमारे साथ वंदना दी भी हैं, और साथ में कहाँ गई सोनाक्षी, सोनाक्षी भी इधर है, ऋषभ भी है, जीजा भी मतलब गाड़ी गए पार्किंग में लगाने। और मैं आपको बता दूं कि मेरा डोसा बहुत खाने का मन था, तो हम जो है डोसा खाने आ गए यहाँ पे। वंदना दी आप क्या खाएंगी? मैं कुछ नहीं खाऊँ, मैं घर पे खाना खाऊँगी। ये कुछ नहीं खाएंगी, ये घर पे खाना खाएंगी। ये थोड़ा अभी डाइट पे चल रही है ना? नहीं, डाइट में नहीं खाते हैं। हाँ, गर्मी काफ़ी है, तो खा पी के मिलते हैं फिर। तो फाइनली गाइस, इनका डोसा आ गया था, और खाने पीने बीजे भी ब्लॉग बनाना भूल गई, तो हमके लाओ हम ही शूट कर लेते हैं। और तो लस्सी भी है, डोसा के साथ लस्सी का मज़ा ही अलग है। आजकल हमारी बीबी का ना भूख बढ़ गया है, बड़ी अच्छी बात है कि भूख बढ़ गया है, और हमको अच्छा भी लगता है कि खाती पीती थोड़ा ध्यान देती हैं। तो क्या हुआ, परेशान तो होना ही है। और जो वंदना दीदी हैं, इन्होंने कुछ नहीं खाया, मैंने भी कुछ नहीं खाया, बस हमारी मैडम जी और सोनाक्षी। हाँ, इतना गर्मी लगता है, हमसे कुछ खाया नहीं जाता है। और ये सब भी तो हाँ, हम लोग नहीं खाते इतना, कब से डोसा खा रही भी तो ख़त्म भी नहीं हो पाया इनका। मुझे भी खिला दिया इन्होंने डोसा। कैसा है डोसा? बढ़िया है, बड़ी अच्छी बात है। नतीजा बिल करा रहे हैं, अजीजा का खर्चा ज़्यादा हो रहा है आज। ठीक है जी, उतना भी खाते हैं डोसा, ठीक है ना? ये भी डोसा नहीं खाते, हम भी नहीं खाते हैं। अभी लस्सी भी ख़त्म करना है इनको, लस्सी भरा हुआ है। सोनाक्षी क्या हुआ? ठीक है, खा लेते हैं फिर लोग निकलते हैं, क्योंकि भी शॉपिंग करना था। तो इनको हमके पहले खिला देते हैं ना, लड़कियों को भूख ज़्यादा लग जाता है, पहले इनको खिला दो फिर इनको शॉपिंग कराओ। दोस्तों हम लोग शॉप पे आ चुके हैं। सोनाक्षी है, हमें क्या हो तो हम लोग शॉप पे आ गए। 5 साल, 4
तो शॉप पे आ गए हैं, देखते हैं इनको बहुत प्यारी लग गई है कि स्टैचू तो देखते हैं पसंद आता है कि नहीं। मम्मी जी सब पहले चलते हैं तो उधर अपना लोग शॉपिंग कर रहे हैं, इधर मैम के दिखा रहे हैं, जब पसंद आएगा तो आप लोग दिखाएंगे। अभी लोग शॉप पे आ गए, शॉप भी बहुत अच्छा काफ़ी हमारा पड़ा हुआ है कपड़ों से। सोनाची सोच रही है कि हमारे लिए कुछ नहीं ले रहे हैं, ऋषभ के लिए ले रहे हैं। सोनाची भी ऋषभ का बर्थडे है, तुम्हारे भी ले लेंगे, अब तो पास में रहने वाले। अच्छा ठीक है भाई। दोस्तों वीडियो कपड़े मुझे नहीं पसंद आया, देखते हैं किसी और शॉप पे मिल जाए बढ़िया। इनके यहाँ तो नहीं पसंद आया और ये बोल रहे थे वीडियो बनाना अलाउ भी नहीं है, तो कपड़े भी कुछ खास नहीं थे, तो देखते हैं। पैसे की बात नहीं है, अगर पसंद आ जाएगा तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे है कपड़े भर का, तो देखते हैं किसी और शॉप पे। बहुत सारे शॉप है, बहुत सारा दुकान है, किसी और दूसरे शॉप पे देखते हैं पसंद आ जाए, देखते हैं इस वाले शॉप पे। सुधर देखिए, ननद भौजाई साथ में सब्जी ले रही हैं, बोल रहे हैं कि आदमी लोग को सब्जी खरीदने आता ही नहीं है, मतलब हमारे लोग की बेइज्जती हो रही है। और क्या जाना है ना, हम आपके यहां कर दो यार। हां फिर बोलती है ना, बोलते हैं नींबू लाने के लिए लेके आते हैं। कितना गर्मी लग रहा है यार, कितना पसीना है चेहरे पे, पूरा बंद है ना ये सारा मेकअप निकल रहा है। अब तो बन्ना दी भी हैं, सोनाक्षी भी है, बहुत गर्मी लग रहा है, जल्दी से लेके निकलो भैया, प्याज ले रही हैं। आलू कैसे? आलू ये तीस का हो? सबको कितना गर्मी लग रहा है, बाप रे बाप। उधर कहाँ जा रहे हो? मेकअप का सामान देखती हो, उधर चले गए, चूड़ा उड़ा यही होता है, लेने कुछ हो जाओ कुछ और ले लेती हैं लोग। देखो क्या ले रही हैं, मेकअप का सामान जहाँ मिल जाए वहाँ सब कुछ। चलो बने रहिए दोस्तों आप लोग। तो गाइस हम लोग मार्केट से आ गए थे, तो अब पता है दीदी हैं जीजा हैं तो बोल रहे हैं कि अब क्या जाओगे, अब सीधे खाना पीना बन रहा है, खाना वाना खा के जाओ। तो इधर देखिए किचन में खाना बन रहा है और दीदी हैं और कोमल है साथ में बना रही हैं, बैक कैमरा करके दिखाते हैं हम लोग को। तो इतनी गर्मी में किचन में काम करना एक मतलब बहुत बड़ा टास्क होता है, तो टास्क देखिए दोनों लोग पूरा कर रही हैं, कितना गर्मी लग रहा है सारा में। लाल नहीं है ये, तो खाना वो कोमल जी रोटी बना रही है और दीदी सब्जी बना रही है। बन गया रोटी? बन गया। वैसे यार दोनों लोग बहुत फास्ट काम करती है, फटाफट। हाँ तो बोल रही थी खाना पीना खा के जाना, हमका चलो ठीक है खाना बना रही है। बाहर का तो हमको तो अच्छा नहीं लगता खाना, खिड़की में झांक रही, हवा थोड़ी ना आ रहा है अभी, पर राहत है। राहत है, इनकी रोटी की बहुत तारीफ होती है, बहुत पतली और गोला गोला रोटी बनाती है। अरे तुम चीता हो यार। तो अब खाना पीना बन गया, हम लोग खा पी के निकलने वाले हैं, जा रही बेसिन में हाथ धोने, जल्दी निकलते हैं, रात बहुत हो गया। आप देख सकते हैं बाहर कितना अंधेरा हो चुका है, नीचे देखिए जीजा की गाड़ी खड़ी हुई है। हाँ देख रहे हैं, अंधेरे में क्या कर रही हो? हाँ लो मैंने लाइट भी जला दी है, देखो इधर सामने छोटा सा बेसिन है, देख सकते हैं। मेरे बात का मजाक मत लो समझी, बेल्ट मैंने निकाल दिया, सही किया बेल्ट निकाल दिया, अच्छा नहीं था बेल्ट नहीं लगाना चाहिए, हमारी फैमिली बोल रही थी। तो अपनी फैमिली का बात फिर देखो नीचे कितना अंधेरा है। हाँ तो अच्छा किया ना। ठीक है दोस्तों बने रहिए आप लोग, उधर देखिए सब लोग जी सुन अच्छी लेटी हुई, जीजा भी लेटी हुई है, ऋषभ इधर है, ऋषभ सब बहुत चंचल है। तो खाना बन गया है फाइनली, अब हम लोग खाते हैं फिर निकलते हैं सीधे घर के लिए। हाँ अभी नहीं बना है, बस 10-15 मिनट लगेगा, और क्या लगेगा, आधा घंटा। चलो ठीक है बने रहिए आप लोग, मिलते हैं आप लोगों से।